शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया का हर इंसान सदमे में है। मात्र 46 की उम्र में दुनिया से विदा लेने वाले साइमंड्स को अपनी जिंदगी में हमेशा एक बात का मलाल जरूर रहता था कि कभी उनके जिगरी यार रहे माइकल क्लार्क से उनकी दोस्ती टूट गई, और वो भी सिर्फ आईपीएल से मिले हुए रुपयों की वजह से। साइमंड्स ने इस दर्दनाक हादसे से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क पर कई गंभीर आरोप जड़े थे। उन्होंने अपने आरोपों में यहां तक कहा था कि उनका दोस्त कप्तानी मिलने के बाद बदल गया, और जब उन्हें आईपीएल के पहले सीजन में अच्छी रकम मिली तो क्लार्क जल गए और उनसे दोस्ती खत्म कर गए। 2015 में भी उन्होंने क्लार्क के खिलाफ ऐसी ही आलोचनाएं की थी, जिसके बाद क्लार्क ने साइमंड्स के एक राज से पर्दा उठाते हुए बताया था कि साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के एक वनडे मैच के दौरान नशे में धुत होकर टीम मीटिंग में आए थे। द ब्रेटली पॉडकास्ट पर एंड्रयू साइमंड्स ने अपने और क्लार्क के रिश्ते के बारे में बात करते हुए बताया था कि आईपीएल के पहले सीजन की नीलामी में बड़ी राशि मिलने के बाद क्लार्क उनसे जलने लगे थे। उन्होंने कहा था, जब क्लार्क टीम में आए थे तो मैं उसके साथ काफी बल्लेबाजी करता था, इसलिए मैंने उनका पूरा ख्याल रखा। इससे हम करीब आ गए। जब आईपीएल शुरू हुआ, मुझे आईपीएल में खेलने के लिए काफी पैसा मिला। क्लार्क को इससे जलन होने लगी और ये हमारे रिश्ते के बीच में आ गया। साइमंड्स ने आगे कहा था कि पैसा मजेदार चीजें करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये जहर हो सकता है, और मुझे लगता है कि इसने हमारे रिश्ते में जहर घोल दिया। उसके साथ मेरी दोस्ती अब नहीं है और मैं इसके साथ सहज हूँ, लेकिन मैं यहां बैठकर कीचड़ उछालने वाला नहीं हूं। आईपीएल के पहले सीजन की नीलामी में महेंद्र सिंह धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी थे, वहीं विस्फोटक ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। उन्हें हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स ने 1.35 मिलियन डॉलर देकर खरीदा था।